अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मेमोरीज। जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है कि महीना डेढ़ महीना पहले मैंने अपना ब्रांड न्यू होंडा शोरूम से बाइक किया था। तो एक डेढ़ महीना गुजर गया है। इसी एक डेढ़ महीने के दौरान मैंने इसकी रनिंग कम्प्लीट की, फिर इसका फर्स्ट ऑयल चेंज करवाया। मीटर आपको दिखा देते हैं, तकरीबन 1000 किलोमीटर चल चुका है। तो ये है कि मैंने 900 किलोमीटर पर इसकी वो ऑयल चेंज करवा लिया था। कुछ लोग अमूमन 1500 किलोमीटर पे चेंज करवाते हैं, मैंने लेकिन 900 पे ही करवा लिया। तो आज मैं सोच रहा था कोई ऐसी यूनिक वीडियो बनाई जाए जिसपे जो शायद ही किसी ने बनाई हो अभी तक। तो मैं सोच रहा था इसकी हम लोग आज इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं इसका वो, और इसकी टॉप स्पीड चेक करें हम लोग इसकी। तो ये है कि 0 to 100 इसको चेक करें कि कितने ये सेकेंड में ट्रैवल करता है। तो सबसे अभी एक मसला हमारे लिए मेन जो बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है, जिसकी वजह से अभी थोड़ी सी काफ़ी मुश्किलात आएंगी। बिलाल भाई मेरे साथ हैं अभी, तो देखते हैं अभी दो बंदों के साथ अभी क्या इसकी परफॉर्मेंस है, देखते हैं आपको क्या करवाते हैं अभी तक। तो अभी इसका बाइक का थोड़ा सा टेम्परेचर अभी मेंटेन करते हैं क्योंकि बाइक काफ़ी देर से खड़ा था ठंडा। तो अभी हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, आप चेक कीजिएगा। अदनान भाई, ये हमने अभी जो है वो देखा है 0 to 100 जो है वो हमने किया है 16 से 17 सेकंड में गया है। नहीं, वो काउंट करके मैं आपको बता दूं। तो क्योंकि अभी हम जो है ना वो डबल थे, तो जिसकी वजह से हम गए हैं 0 to 100 डबल सॉरी पे ना 0 to 100 16 से 17 सेकंड पर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब हम इसका जो है अभी टॉप स्पीड का कोशिश करेंगे। हमारे पास ट्रैक तो वैसे छोटे हैं, आपको अगर दिखाएं तो ट्रैक हमारे पास छोटा है, हो सकता है इसमें हमारे से ना कोई 120 पर जाए या उतना टॉप, फिर भी जितना ट्रैक हुआ उस हिसाब से हम आपको दिखा देंगे। तो अभी बारी आई है, हम दो बंदे हैं, 2% है ऊपर इसके और वेट काफ़ी होगा। हाँ, टॉप स्पीड जितनी हो सकती है आपको जहाँ तक मुमकिन हो सकता है आपको चेक करवाते हैं। अदनान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको एक दफ़ा फिर, अल्लाह पाक आपको नसीब करे माशाल्लाह। और जैसा कि आपने देखा है हमारी आंखों से पानी भी निकल रहा है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 0 to 100 भी ट्राई कर लिया, सिंगल पर्सन पर भी, डबल पर्सन पर भी। और डबल पर्सन पर अब हमने माशाल्लाह इसकी जो है वो टॉप स्पीड देखी है। ट्रैक छोटा होने की वजह से आप देखें ये ट्रैक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना। सी पैक जो है हमारा ये 11 वाला जो नया तैयार हुआ है, मरगला रोड भी कहा जाता है और सी पैक भी इसको कहा जाता है, लेकिन बेसिकली जो है ये है हमारा मरगला रोड, ठीक है। तो ये ट्रैक छोटा होने की वजह से जो हमें दिक्कत आई है कि हम इसको 120 लेकिन नहीं लेके जा सके, लेकिन माशाल्लाह 115 तक अदनान भी फिर भी ये गया है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारा 115 इसने कर दिया है। तो अगर ट्रैक थोड़ा सा हमारा और इंक्रीज़ होता
तो नाजमन सी बात ही है, कभी फिर इंशाल्लाह देखें ना जी, गोल्ड बढ़िया है और माशाल्लाह जो है वो 120 अगर ना मारे तो फिर मज़ा नहीं आता। तो माशाल्लाह आपको फिर एक दफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। तो परफॉर्मेंस भी आप देख चुके हैं माशाल्लाह, फर्स्ट ट्यूनिंग भी अदनान भाई करवा के आ चुके हैं। तो ये बाइक है तो माशाल्लाह देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक अभी हमें इजाज़त दीजिए, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में बहुत जल्द। ये ब्लॉग भी हमारा काफी लेट हो चुका क्योंकि नान भाई के माशाल्लाह घर की कुछ ऐसी मसरूफियात भी थी, तो जिसकी वजह से जो है नहीं कर सके। अभी इंशाल्लाह रूटीन के साथ आते रहेंगे और आपको नए ब्लॉग के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।